ये हमारा दीन आज जो फैलता चला जा रहा है ये दीन की हकानियत की बात है। दूसरे लोगों को देखो कितना बड़ा नेटवर्क है, कितना बड़ा नेटवर्क है, हर मस्जिद हर मोहल्ले से लेकर बड़े ऊपरी लेवल तक चला जा रहा है, मगर अजीजाने मिल्लत इस्लामिया ये दीन हक है, इसकी हकानियत की दलील है। हजरात जो जिंदा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हामिद शमसुल अजहर साहब कह रहे थे मिटाने की कोशिश करने वाले, अरे कुरान को बदलने की कोशिश करने वाले तो खुद ही बदल रखते चले जा रहे हैं, समझ गए। और ऐसे बदले हैं आज के अखबार में तो लिखता है कि बदल के भी नुकसान में रहे, बदल के भी नुकसान में रहे, दुनिया का भी नुकसान, आखिरत का भी नुकसान। क्या कह रहा था वो कि कुरान करीम में 24 आयतें हैं जो आतंकवाद फैलाता है, वो ये तो वही बात है जो यहूदियों ने आकर कही थी, अब तुम्हें विवाद, वो कहते थे कि इस्लाम की कुछ बातें तो अच्छी है, कुछ बातें गलत है, एक नंबर हमें कुछ बातों पर इस्लाम की और कुछ बातों पर यहूदियत के अमल करने की इजाजत दे दीजिए, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया लोगों अब तुम मिनून अबिलाजुल किताब व तकफरून अबिलाज, तो तुम क्या ये चाहते हो कि आले कुरान पे अमल कर लो, आले पर ना करो, जो ऐसा करेगा इस्लाम की कुछ बातों पर अमल कर ले, इस्लाम की कुछ बातों को छोड़ दे, उनके लिए दुनिया में भी घाटा है कयामत में। रात हम इस आईने में अगर अपनी सूरत देख लें, अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है या अय्युहल लजीना आमनू उदखुल फिस्सिल्म काफ्फा, ऐ मुसलमानों ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पक्के मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ। मेरे भाइयों दीन का पैगाम फैलाने के लिए दीन की बातों को आज इस दौरे पुरफितर में आम करने के लिए कौन सा तरीका है, कौन सी चीज है तुम्हारे पास मुसलमानों, ये मदरसे ही तो है, ये मसाजिद ही तो है। आप जान रहे हैं अगर बस्ती के अंदर मदरसा है तो दीन है, बस्ती के अंदर अगर मदरसा नहीं है तो हजरात गिरामी कैसे ईमान बचेगा, कैसे दीन बचेगा, किसी को कोई बात पूछनी है, किसी को कोई मसला पूछना है, किसी को फतवा पूछना है, गांव में मदरसा है, बस्ती के अंदर मदरसा है, आप आ जाएंगे बातों को पूछ लेंगे, हजरात गिरामी आपके बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए, आपका बच्चा आज हाफिज़ कुरान हो रहा है, इतना है इंशाअल्लाह और भी बच्चे इस साल में हाफिज़ बनेंगे, कारी भी बनेंगे, आलिम मौलवी भी बनने जा रहे हैं। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हजरात गिरामी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारे खजांची साहब जब से मदरसा बना जब से शुरू से ही लगे हुए हैं, अगर ये मदरसा नहीं होता तो जोरे में क्या आलम होता, 11 मस्जिद सुनिए होती खजांची साहब नहीं होती, वो इतनी बड़ी कोई ईदगाह बनी खड़ी है होती नहीं होती, मदरसों की देन है, दीन के अंदर दुनिया के अंदर जो दीन फैल रहा है यही मजबूत किले हैं, यही किले हैं जो हमारे ईमान की हिफाजत करते हैं, यही किले हैं जो हमारे दीन की हिफाजत कर रहे हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया आप हजरात सुन रहे हैं, बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, हाफिज़े कुरान होने के बाद अगर उसने एक मरतबा पूरा कुरान करीम पढ़ दिया, दादा के लिए सलाम बख्श दिया, इंशाअल्लाह मगफिरत हो जाएगी, मिलने वालों के लिए बख्श दिया, इंशाअल्लाह मगफिरत हो जाएगी, हजरात यही बच्चा है जब सुबह को फजर के बाद अपने घर में तिलावत करेगा तो बाप का भी शौक आएगा कि बेटा तिलावत कर रहा है तो मैं भी तिलावत करूँ, भाई को शौक आएगा कि भाई तिलावत कर रहा है तो मैं भी तिलावत करूँ, हजी से अपने सलाम समझेंगे कि बच्चा तिलावत कर रहा है हम भी तिलावत करें। मेरे बड़े बाबा इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन बावजूद होने के बाद कुरान करीम के एक हर्फ की तिलावत करता है तो अल्लाह उसे साथ देता है।